हेलो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में हम देख रहे हैं इंडियन स्टार्स थैंक्स टू पाकिस्तान एंड इमरान खान, पाकिस्तान हेल्प्स इंडिया। तो ये जो बातें हैं बहुत टाइम से चल रही हैं एंड उसके बाद से ये अलग अलग लोगों के बयान आ रहे हैं जिसको जैसे जैसे बड़े बड़े लेवल के एक्टर वगैरह हैं या फिर जो भी हैं उनको वो थोड़ा बिजी रहते हैं तो उनको लेट पता चलता है कि किसने क्या किया है या फिर दूसरे मुल्क ने क्या हेल्प करने की पेशकश की है, तो वो चीज़ें लेट पता चलती हैं तो उनके रिएक्शंस भी बाद में आते हैं। तो चलिए बिना देरी के इसमें देखते हैं कि क्या दिखाया गया है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। मगर ये बोलना कि अब कोरोना की मौत मरेगा पाकिस्तान, वहां की जनता को तुम बद्दुआ दे रहे हो और अब क्या हो रहा है मुझे बताओ। तुम्हारी दी गई ये बद्दुआ जो है मेरे देश की जनता को लग गई अगर मैं तुम्हारे तर्कों का इस्तेमाल करूं। और मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जिस पाकिस्तान को आपने बद्दुआ दी थी वहां पर तो खुशी मनाई जा रही होगी। मैं मानता हूं पाकिस्तान में भी ऐसे सिरफिरे हैं, मगर देखिए वहां के ट्विटर पर क्या ट्रेंड हो रहा है आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला ट्रेंड, पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया, पाकिस्तान भारत के साथ खड़ा है। दूसरा, इंडिया नीड्स ऑक्सीजन, भारत को ऑक्सीजन की जरूरत है। तीसरा, पाकिस्तान विद इंडिया। चौथा, वी कांट ब्रीद, इंडिया फाइट्स कोविड-19। आज पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है जो भारत के साथ खड़ी है, हमारे इस मुश्किल लम्हे के हमारे साथ खड़ी है दोस्तों। आज भारतीय होने के नाते अपनी नजरें शर्म से झुकाने को दिल करते हैं। आज डर लगता है कि कोई पाकिस्तानी सामने आ जाए तो मैं उससे नजरें कैसे मिलाऊं। इसकी वजह मेरा किया हुआ कोई काम नहीं है, इसकी वजह भारत के नागरिकों द्वारा किया गया कोई काम नहीं है, इसकी वजह है वो न्यूज चैनल्स जो इंसानियत की लेवल से गिर के किसी के तलवे चाटने में सारी हदें पार कर गए। शर्म आ रही है जब जी न्यूज का वो एड देख रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि अब कोरोना की मौत मरेगा पाकिस्तान। ये हमारे न्यूज चैनल्स का ये वीडियो मेरे सामने भी आया था जब कोरोना थंबनेल मैंने देखा था। पाकिस्तान में हालात बिगड़ रहे थे। आज जब देखा कि पाकिस्तान के लोग, जब हिंदुस्तान के हालात बद से बदतर हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, शमशान में चिता जलाने की जगह नहीं है, लकड़ियां नहीं, तो पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, ट्रेंड करा रहे हैं पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया। और ये वहां के पॉलिटिशियंस नहीं है, ये वहां के मीडिया चैनल्स नहीं है, ये वहां के आम लोग हैं। वहां का कोई भी चैनल ये नहीं कह रहा कि अब कोरोना की मौत मरेगा भारत। वो आज हमारे गम में, हमारी परेशानी में इंसान होने के नाते कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। वहां की आवाम अपने प्रधानमंत्री से कह रही है कि ठीक है इख्तलाफ अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त में भारत की मदद कीजिए। मैं पूछना चाहूंगा कि आज जहां से 80 मेट्रिक टन ऑक्सीजन इंडिया के लिए आ रही है, वो भी एक अब्दुल्ला ही है, वो भी वो पंचर वाला ही है जिससे आप यहां नफरत करते हैं, जिससे आपके दिल में कोरोना जिहादी कह कह के नफरत घोली जा रही थी। लेकिन कसूर उनका नहीं है जो नफरत घोल रहे हैं, कसूर आपका है जो खामोशी से सुन रहे हैं। मैं एक सवाल आपके थ्रू, मेरे हिंदू भाइयों के थ्रू इन नफरत घोलने वालों तक पहुंचाना चाहता हूं। इनसे पूछिए, इनसे सिर्फ एक स्टेटमेंट मांगिए, सिर्फ एक स्टेटमेंट। इनसे कहिए कि वो अब्दुल 80 मेट्रिक टन ऑक्सीजन भारत को दे रहा है, मदद कर रहा है। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि भारत की मदद कीजिए। पाकिस्तान की एक फाउंडेशन एम्बुलेंस देने के लिए भारत को लिख रही है, ऑक्सीजन देने के लिए पाकिस्तान खड़ा है। इनसे बस ये पूछिए कि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, आप एक स्टेटमेंट जरूर दीजिए ताकि आगे वक्त के लिए वो स्टेटमेंट सनद रहे और याद रहे। क्या ये अब भी ये कहेंगे कि मैं या मेरा कोई घरवाला अगर बीमार होता है तो मैं अपने शुद्ध धार्मिक फेफड़ों में इन पंचर वालों की ऑक्सीजन की एक सांस भी नहीं लूंगा? क्या ये ऑक्सीजन लेने से पहले पूछेंगे कि ये सऊदी और पाकिस्तान से तो नहीं आई है? क्या ये अब भी आपको मना करेंगे कि ये ऑक्सीजन जिहाद है, इस ऑक्सीजन से अपने जान मत बचाइएगा? और अगर नहीं तो इन्हें इनसे ये कहलवाई है कि इस अब्दुल ने, इस जिहादी ने हमारे ऊपर ये एहसान किया है। ये बात किसी भी आम हिंदू या आम हिंदुस्तानी के लिए नहीं है,
मैं एक आम हिंदू जिसका बाप भाई बहन माँ कोई भी रिश्तेदार दोस्त अस्पताल में तड़प रहा है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये जो ऑक्सीजन आई है ये इंसानियत के नाते आई है। आप भी एक इंसान है और इस पे आपका उतना ही हक है जितना मोहसिन रशीद टोंक का है। इसे अपना हक समझ के मांगिए। लेकिन जो लोग पिछले 6-7 साल से इस मुल्क की फिजा में जहर घोल रहे हैं उनका एक स्टेटमेंट तो मंगाइए। वो दीमक चौरसिया, वो योगी, वो ढोंगी आदित्यनाथ, वो अनुराग ठाकुर, वो कपिल मिश्रा, वो नद्दी का बैंगन सुरेश चवणके, वो बबीता फोगाट, वो सुधीर चौधरी, वो अर्णब गोस्वामी, वो अंजना ओम मोदी, वो रूह बिका लियाकत, वो अनुपम खेर और वो सुमित अवस्थी, रूह बिका लियाकत। बाप को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, भाई को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर पर रिश्तेदार पड़े हुए हैं, गंगा नदी में लाशें बह रही हैं, अब तक बह रही हैं, गैर मुस्लिम को मुस्लिम मुखाग्नि दे रहा है, चिताएं मुस्लिम समाज जला रहा है, गंगा में लाशें तैर रही हैं जिसको चील कौवे खा रहे हैं, लेकिन हैशटैग चला रहे हैं कि आई एम स्टैंडिंग विद इज़राइल, आई स्टैंड विद इज़राइल। मतलब फलस्तीन पे हमला हो रहा है लेकिन इज़राइल के साथ खड़े रहेंगे, इज़राइल का साथ देंगे, क्योंकि वहाँ पे फलस्तीन में तो अब्दुल टाइट हो रहा है ना, फलस्तीन में तो अब्दुल टाइट हो रहा है, अब्दुल टाइट होना चाहिए, चाहे यहाँ बाप को ऑक्सीजन ना मिले, अब्दुल टाइट होना चाहिए, चाहे घर में खाने को राशन ना हो, अब्दुल टाइट होना चाहिए, चाहे बेड हॉस्पिटल में बेड ना मिले, से क्या मतलब, चाहे फाके करें, राशन नहीं मिलेगा घर में, इतनी महामारी आई हुई है, परेशानी के हालात हैं, लेकिन अब्दुल टाइट होना चाहिए फलस्तीन में, इसराइल के साथ खड़े हैं, किस तरह की अंधभक्ति है दोस्तों। अगर वाकई में कोई वफादारी, अगर वफादारी शब्द जिसको बोलते हैं ना उसको बोलते हैं अंधभक्ति, इतनी अंधभक्ति भरी पड़ी हुई है लोगों में कि हैशटैग चला रहे हैं कि आई स्टैंड विद इसराइल, जो कि इसराइल इतनी मासूम लोगों को मार रहा है फलस्तीन में, और भारत में हैशटैग चला रहे हैं कि आई स्टैंड विद इसराइल, और भारत की खुद की कंडीशन ऐसी है कि सऊदी अरब ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन इनके बाप की बस की नहीं है, सऊदी अरब ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन सऊदी अरब का इस्तेमाल करेंगे, इंडिया में बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बाप ऑक्सीजन से मारा, ऑक्सीजन के बिना मारा जा रहा है, लेकिन बेटा लिख रहा है कि आई स्टैंड विद इसराइल। अरे किस तरह की अंधभक्ति है भाई, कहाँ से लाते हो ऐसी अंधभक्ति, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, पहली बार देख रही हूँ उस तरह के कि लोग कि किस मानसिकता के लोग हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, इतनी मानसिकता गिर चुकी है कि इनको ये समझ में नहीं आता कि क्या सही और क्या गलत है। बस मुस्लिम्स की हत्या होनी चाहिए, मुसलमानों की मौतें होनी चाहिए तो ये खुश हैं, इसराइल मार रहा है मासूम लोगों को फलस्तीन में तो खुश हैं, और हैशटैग चला रहे हैं कि आई स्टैंड विद इसराइल। अरे भैया पहले अपने बाप को ऑक्सीजन तो मुहैया करवा लो, पहले अपने लोगों को हॉस्पिटल में बेड तो दिलवा दो, यहाँ तो त्राही त्राही करके मर रहे हैं और खड़े हैं इसराइल के साथ। ओके, तो इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो फैक्ट्स बता रही थी कुछ चीज़ों के, जैसे कि सभी को पता है कि बहुत सारी जो एक इन्होंने थंबनेल लिखाया था स्टार्टिंग में, वो थंबनेल किया पाकिस्तान मरेगा कोरोना की मौत, तो वो थंबनेल मेरे सामने भी आया था। ऐसा होता है कि एक वीडियो जब वायरल होता है ना कुछ, तो वो बहुत बहुत सारे मतलब आमने सामने वाले लोगों के बीच या सामने आया हुआ होता है वो, तो मेरे भी सामने आया था, मैंने वीडियो नहीं देखा था लेकिन मेरे सामने थंबनेल आया था, मुझे पता था कि उसमें कुछ ऐसा ही होगा, उल्टी सीधी चीज़ें, इसलिए मैंने देखा भी नहीं, तो वो चीज़ मेरे सामने भी आई थी। एंड इन्होंने भी बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं, लोगों ने फैलाने की कोशिश की है, लेकिन अब क्या हो रहा है वहाँ पर ट्रेंड किया कि पाकिस्तान स्टैंड विद इंडिया। तो बुरे माइंडसेट के साथ, बुरी सोच के साथ सभी जगह लोग होते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में जो मतलब मीडिया जो बहुत ज़्यादा हाँक देता है उल्टी सीधी चीज़ें लोगों के सामने, और लोग मज़ा लेकर चटकारे लेकर चाय पीते हुए उस चीज़ का मज़ा लेते हैं, उस न्यूज़ का मज़ा लेते हैं, तो वो चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। जो बकवास न्यूज़ होती है उनकी पोल खोली गई है, वाकई में ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है।
कि आज ज़रा सा एक छोटा सा पॉइंट मिल जाए कि वहाँ पर एक बंदे को ऐसे 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 चोट लग गई तो उसका राय का पहाड़ बना देगी मीडिया। लोग होते हैं ऐसे जिनका माइंड सेट ऐसा बन चुका होता है कि वो उससे निकल कर आना नहीं चाहते, इंसानियत की तरफ बढ़ना नहीं चाहते आगे। तो सही बोल रही थी वो बिल्कुल कि ऐसे लोग हैं कि उससे निकल कर नहीं आएंगे लेकिन कहेंगे आई स्टैंड विद इज़राइल कर हैशटैग चलाएंगे, हैशटैग को ट्रेंड कराओ। उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, बस घर में बैठे हुए हैं कि दूसरी तरफ वाला मतलब हैशटैग जो चला रहे हैं वो ट्रेंड ना कर जाए। हम फालतू में कोई भी हैशटैग चला देंगे, उसको ट्रेंड करने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। बाप बीमार है, ऑक्सीजन नहीं है और मर रहे हैं लोग, उससे कोई मतलब नहीं है। हैशटैग ट्रेंड कराओ ताकि वो आगे ना निकल जाए, बस इतनी माइंडसेट बन गया है लोगों का। तो बहुत सही था, ऐसी चीज़ों से सबक लेना चाहिए कि कौन साथ है कौन नहीं है। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आप कमेंट कर बताइए ना। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोई क्वेश्चन या सजेशन हो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।